बाइक ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 200 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? सपोज दिस इज अ डिस्टेंस, ये कोई डिस्टेंस है ए बी, ठीक है? ये कोई डिस्टेंस है, ओके अच्छा, अ बाइक ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, सो द डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर, ओके, एंड एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है? स्पीड इज नॉट गिवन, तो स्पीड हम ले लेते हैं यार, ठीक है? स्पीड ले लेते हैं, सपोज वो जो कांस्टेंट स्पीड है दैट इज एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ओके अब आपको मालूम होना चाहिए दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? और टाइम विल बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूंगा, इस केस में टाइम कितना जाएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 200 अपॉन एक्स, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल जाएगा, दिस विल कम इन आर, ठीक है? चलो अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इफ़ स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है, वही सिचुएशन है, ठीक है? वही जर्नी है ए से बी, वही डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, लेकिन अब स्पीड बढ़ चुकी है, स्पीड कितनी हो चुकी है, अब स्पीड हो चुकी है, आपने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है, तो पहले एक्स थे तो एक्स प्लस 5 कर दिया आपने, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और अब वही जर्नी कंप्लीट करने में 2 घंटे कम लग रहे हैं, तो अब का जो टाइम, सपोज पहली वाली सिचुएशन में मैं टाइम को T1 ले रहा हूँ, दूसरी वाली कंडीशन में जो T2 टाइम आएगा दैट विल बी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 200 अपॉन कितना जाएगा एक्स प्लस 5, ठीक है, अगेन इन आर, तो T2 टाइम ज़्यादा होगा या T1 टाइम ज़्यादा होगा, डेफिनेटली T1 टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें स्पीड कम है, तो दोनों का डिफरेंस देखो। अब आपको यहाँ से ये समझना पड़ेगा कि अगर पहली टी पहला अगर टाइम T1 अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो दूसरे टाइम T2 में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे, क्योंकि सॉरी 6 घंटे नहीं, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे, समझ रहे हो? क्योंकि 2 घंटा कम लग रहा है, वो आपसे क्वेश्चन में ये तो कह रहा है 2 आवर्स लेस, तो पहला टाइम आप कुछ भी ले लो, अगर पहला टाइम मैं 6 आवर्स लूँगा तो दूसरा टाइम 4 आवर्स होएगा, इसका मतलब T1 और T2 के बीच का जो डिफरेंस है, इफ़ आई डू T1 माइनस T2, 4 माइनस 2 आई गेट 2 आवर्स, दिस इज वट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू शुड नो दिस, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इफ़ आई डू T1 माइनस T2 आई गेट 2, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके? तो T1 माइनस T2 वाला फंडा समझना, तो बस T1 माइनस T2 कर लो, इसमें वैल्यू डाल दो 200 अपॉन एक्स माइनस 200 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको व्हाट यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है? ओके आपने एक्स के लिए सॉल्व करना, यू विल गेट द स्पीड, तो फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर 200 अपॉन एक्स माइनस 200 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम विल बी एक्स इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है? और ऊपर कितना जाएगा, ऊपर आ जाएगा 200 के साथ पहले एक्स प्लस 5 माइनस 200 के साथ एक्स इज इक्वल टू 2, तो ऊपर आ जाएगा 200 एक्स प्लस 1000 माइनस 200 एक्स अपॉन, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया 200x 200x, ठीक है? और ये इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ ऊपर और 2 को नीचे ला रहा हूँ, इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2, 1000 अपॉन 2, तो 500 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना इज़ वेरी इजी, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है? तो आपने 5x को ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपने 5x को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि जो उसका मल्टीप्लीकेशन हो इट शुड कम माइनस 500 एक्स स्क्वायर, उसका मल्टीप्लीकेशन, डू रिमेंबर दिस, ठीक है? सो इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये 25
अगर ये जो मैंने स्प्लिट करा है 25x माइनस 20x विल गोइंग टू गिव यू 5x ओनली, और अगर आप 25x इंटू माइनस 20x करोगे सो इट विल गोइंग टू गिव यू माइनस 500x स्क्वायर ओनली, ठीक है। तो यहाँ से इफ़ यू विल टेक x कॉमन पहले दो टर्म से, तो इट विल गोइंग टू गिव यू x प्लस 25। दूसरे वाले से इफ़ यू विल टेक माइनस 20 कॉमन, अगेन इट विल गोइंग टू गिव यू x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 20 कॉमन लिया आपने तो ब्रैकेट में x प्लस 25 ही आएगा। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, टेक x प्लस सॉरी x प्लस 25 कॉमन, x प्लस 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर यहाँ से बचेगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आ गए, दोनों को 0 से इक्वेट करो। पहला तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 25 विच इज़ नॉट पॉसिबल, स्पीड के नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ओके। तो दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 20, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 वाली स्पीड विल बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यू विल नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव वैल्यू, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर इज राइट आंसर।